हेलो एवरीवन, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में देख रहे हैं हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स और हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। उसमें मैंने कुछ मेथड्स आपको बताई हैं। अब और एक हम टाइप के सर्किट्स देखने वाले हैं एंड वह है इनफिनाइट लैडर, इनफिनाइट नेटवर्क। So, ऐसे इनफिनाइट नेटवर्क और इनफिनाइट लैडर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हम देखेंगे। इनफिनाइट लैडर नेटवर्क, तो एक नेटवर्क में यहां पर ड्रॉ कर रहा इनफिनाइट लैडर नेटवर्क एंड फिर हम देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है। So, उसके लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन ही लिख लेता हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एंड आई एम ड्राइंग द नेटवर्क हियर। थोड़ा सा लार्ज में यहां पर ड्रा कर रहा हूं आपको समझने के लिए। ये एक रेजिस्टेंस, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, लाइक दिस ऐसा है एंड हम कहेंगे ऑल दिस इनफिनाइट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी। इस तरह से मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं वह इनफिनाइट नेटवर्क, है ना, इनफिनाइट नेटवर्क। तो उस इनफिनाइट नेटवर्क को हमें देखना है कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लुक हियर, ये इनफिनाइट नेटवर्क मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं एंड इस इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं फाइंड करना चाहता हूं। ऐसे यहां पर ऐसे ही होगा, ये इन्फिनिटी तक, ये है अप टू इन्फिनिटी। अब ऐसे इनफिनाइट लैडर या इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं। वैसे जनरल भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं बट यहां पर मैं ले रहा हूं। देखो, एक रेजिस्टेंस है ऑफ 1 ओम, ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस है यहां पर ऑफ 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम, ये 1 ओम एंड ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। एंड आप इस इनफिनाइट नेटवर्क को आप ऑब्जर्व करना, अलग अलग तरह से वह जो रेजिस्टेंस है उसमें कनेक्ट किए हुए रह सकते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, मैं जो स्टेप्स इस इनफिनाइट लैडर नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। अभी इनफिनाइट नेटवर्क, मान लेते हैं कि इस इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ले द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफिनाइट नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफिनाइट नेटवर्क बी एक्स। क्या करना है, पूरे इनफिनाइट ये नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूं। देखो, ये है एक्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफिनाइट नेटवर्क, एक्स रेजिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है। मींस हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफिनाइट नेटवर्क। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखो, ये फर्स्ट स्टेप है कि आप इनफिनाइट रेजिस्टेंस जो भी है एक्स वाई जेड आर इक्विवेलेंट आर डैश कुछ भी कंसिडर कर सकते, मैंने एक्स कंसिडर किया। नाउ ऑब्जर्व दिस नेटवर्क एंड फाइंड द यूनिट सेल जिससे ये इनफिनाइट नेटवर्क बना हुआ, यूनिट यूनिट पार्ट हमें फाइंड करना। यूनिट पार्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे वॉल है, वॉल वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स अ ब्रिक इज अ यूनिट पार्ट ऑफ दैट वॉल। तो ठीक ऐसे कौन सा पार्ट है, यूनिट सेल है जिससे ये नेटवर्क बना हुआ है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, ये पार्ट एक यूनिट पार्ट, ये पार्ट जैसे मैंने ये पार्ट यहां पर ड्रा किया, उसके बाद फिर वही पार्ट नेक्स्ट, फिर उसके पार्ट वह
उसके बाद वह पार्ट रखा है एंड ऐसे पार्ट से ये नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टोटल नेटवर्क, अब मुझे बताओ इसमें से मैंने एक सेपरेट कर लिया, एक यूनिट पार्ट, एंड वह यूनिट पार्ट जैसे मैं बता रहा हूं लगे तो यही यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं यूनिट पार्ट, वह कि 1 ओम रेजिस्टेंस एंड ये 2 ओम रेजिस्टेंस लाइक दिस, ये 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, ये यूनिट पार्ट है। अब ये यूनिट पार्ट जो है ऐसे यूनिट पार्ट से ये पूरा नेटवर्क बना, ये यूनिट पार्ट फिर उसके आगे वही पार्ट रखा है, फिर उसके आगे वही पार्ट, यानी इनफिनाइट नेटवर्क बना। नाउ लुक हियर, अब मुझे बताइए सब कि यहां पर अब सोचो जरा पूरे इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है, अगर इस पूरे इनफिनाइट नेटवर्क में से मैंने एक यूनिट पार्ट निकाल लिया एंड फिर उसे ज्वाइन कर दिया इसे, तो आने वाला आंसर, आने वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनफिनाइट प्लस समथिंग और इनफिनाइट माइनस समथिंग इक्वल्स टू इनफिनाइट, दैट इज द सिंपल थिंग। इनफिनाइट में कुछ भी ऐड करो इनफिनाइट रहेगा, इनफिनाइट से कुछ सब्ट्रैक्ट करो थोड़ा पार्ट तो भी इनफिनाइट रहा। मतलब ऐसा है, ये ऐसा है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास है ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर यहां पर, ये है फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर। अब मैंने उसमें से एक ड्रॉप साइड में निकाल लिया, एक ड्रॉप 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 बनकर पूरा ग्लास ऑफ वाटर, अब एक ड्रॉप अलग निकाल लिया तो कितना ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब मैंने वह ड्रॉप फिर उसमें ऐड कर दिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये सपोज ओशियन है, वाटर इनफिनाइट, उसमें से एक बकेट मैंने साइड में रख लिया, फिर देखा ओशियन पूरा उतना ही वाटर, वो बकेट उसमें फिर ऐड कर दी, वो बकेट यूनिट पार्ट उसमें ऐड कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फिर भी ओशियन ही है। ऐसा थोड़ी एक बकेट वाटर निकालने से ओशियन रिवर हो जाएगी, नहीं, या 1 बकेट वाटर डालने से ओशियन और बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, उतना ही, इनफिनाइट, इनफिनाइट में कुछ भी ऐड करेंगे इनफिनाइट ही रहेगा। दैट्स व्हाई हम यहां पर बता सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं कि ये यूनिट पार्ट हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ऐड करेंगे तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब बहुत ही सिंपल हो गया। नाउ लुक हियर, दिस टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है, 1 ओम रेजिस्टेंस जो है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं तो उससे साथ 2 एंड x ओम जो रेजिस्टेंस है वह ये दोनों पैरेलल में, उससे ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में तो हमें पता है पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहता है, प्रोडक्ट। देखो ये जो रेजिस्टेंस इसका है इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 2 x अपॉन सम ऑफ 2 2 प्लस x, अब दोनों सीरीज में आ गए, इक्विवेलेंट तो x से दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में क्या करते हैं एडिशन, सो 1 प्लस इन दोनों के एडिशन 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x एंड इक्वल्स टू क्या होगा, अगेन x। अब मैं स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूं उसे, जरा आप ध्यान दीजिए, या तो हाँ यहीं पर ली तो क्या होगा, ये स्टेप वाइज यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू x x प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x इंटू x 2 प्लस x, इधर ट्रांसफर करता हूं 2 इंटू x 2x 2x प्लस x इंटू x x स्क्वायर, तो प्लस 2x इधर जाएगा, माइनस 2x गेट कैंसल, x स्क्वायर ये x उधर ट्रांसफर करता हूं, माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो बहुत आसान है, एक बात याद रखो जनरल भी होगा यहाँ R1 R2, तो उसके अनुसार आप यही मेथड यूज कर रहा है, फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, वैल्यू चेंज हो सकती है ना, 1 2 की जगह अलग वैल्यूज हो सकती है, जनरल कह सकते हैं R1 R2 है,
तो भी आपको स्टेप समझ में आनी चाहिए, वही स्टेप फॉलो करना है इनफिनाइट लैडर नेटवर्क के लिए। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला तो पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आपको फाइंड करना है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्मूला तो वैसे यूज करें, एक्स स्क्वायर ए वन, ए है वन, बी माइनस वन एंड सी माइनस टू। हियर एक्स स्क्वायर कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। एक्स स्क्वायर ए वन बी एक्स माइनस एक्स है यहां पर, तो बी माइनस वन सी माइनस टू। नाउ सब्स्टिट्यूट करते ये वैल्यूज इन दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है। तो देखो वहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, प्लस और माइनस अंडर रूट बी मीन्स वन, वन स्क्वायर वन माइनस फोर, ए इज वन एंड सी इज माइनस टू, माइनस टू तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू अपॉन टू ए। तो एक्स इक्वल्स टू वन प्लस और माइनस फोर इंटू टू एट प्लस वन नाइन, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस थ्री अपॉन टू एंड एक्स इक्वल्स टू वन माइनस थ्री अपॉन टू। ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, रेजिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव सो वो कैंसल। वन प्लस थ्री फोर, फोर बाय टू टू ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफिनाइट लैडर इज टू ओम। इनफिनाइट नेटवर्क है, बड़ा है, देखने के बाद लगता है कि हमें कैसे आएगा, लेकिन स्टेप समझ लो बहुत ही सिंपल है। इस सिंपल वे से आप इस इनफिनाइट लैडर नेटवर्क को सिंपल कर सकते हैं। तो स्टेप्स याद रखो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक से ढूंढो एंड उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू, थैंक यू।